आयुष्मान भारत के अब 1 करोड़ लाभार्थी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह बड़े जोर शोर से इसे अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उसके बाद से ही बधाइयों का तांता लग गया। क्या अमिताभ बच्चन, क्या अजय देवगन और क्या सरकार के मंत्री, सबने लपक कर इस खबर को रीट्वीट और शेयर किया। आयुष्मान भारत देश का ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ऐसा केंद्र सरकार का हमेशा से दावा रहा है। 2018 में सितंबर में इस योजना को रांची से लॉन्च किया गया था, लेकिन उससे पहले अगस्त में ही ट्रायल के दौरान हरियाणा के करनाल में इस योजना के तहत पैदा हुई बच्ची करिश्मा को इसकी पहली लाभार्थी माना जाता है। इस योजना के तहत गरीब परिवार वालों के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। लेकिन जो लोग आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ कह रहे थे, दरअसल वो 1 करोड़ इलाज की संख्या है। दोनों में एक बड़ा अंतर है। ये अंतर आयुष्मान भारत के CEO इंदु भूषण ने ही समझाया। उनके मुताबिक 1 करोड़ बार इस योजना का लाभ लोगों ने उठाया है, न कि 1 करोड़ लोगों ने। उनके मुताबिक लोगों की संख्या कम है, 1 करोड़ संख्या इस स्कीम के तहत जितनी बार इलाज हुआ है उसकी है। जिन राज्यों में इस योजना के तहत लोगों के सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट हुए हैं वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और झारखंड। आयुष्मान योजना पर अब तक सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आंकड़ों के अनुसार इसमें से 7,000 करोड़ गंभीर बीमारियों पर लगा है। कैंसर, हृदय रोग, हड्डी की और पथरी की बीमारियों का ज्यादातर लोग ने इस योजना में इलाज कराया है। लेकिन देश में इस वक्त कोरोना महामारी पर बात चल रही है, तो क्या आयुष्मान योजना में इसका इलाज नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है, आयुष्मान योजना में कोरोना का इलाज भी कवर होता है। इसके तहत तकरीबन 2100 लोगों का कोरोना का ही इलाज हुआ है। कोविड-19 का टेस्ट तकरीबन 3000 लोगों के हुए हैं। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,12,000 पार है। ऐसे में 2100 लोगों के आंकड़ों से क्या हम खुश हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब में इंदु भूषण कहते हैं, 1,12,000 की कुल संख्या में केवल 6% ही ऐसे मरीज होते हैं जिनको ICU की जरूरत पड़ती है। आप मान सकते हैं 10-20% लोगों को ही अस्पताल में इलाज की जरूरत होती है। 20,000 लोगों में हमने 2100 लोगों का इस स्कीम के तहत इलाज किया, तो यह कम नहीं है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जिन राज्यों में कोविड-19 के मरीजों का ज्यादा इलाज हुआ है उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु आते हैं। लेकिन देश में अब भी 4 राज्य ऐसे हैं जहां आयुष्मान योजना लागू ही नहीं हुई है। ये राज्य हैं दिल्ली, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।